नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों एक कॉल आया हमें चिचुंडी पाटिल गांव से, अहमदनगर जिला में आता है। अक्षय पर काले इन्होंने कॉल किया था, वहाँ पर लाइट का एक सब स्टेशन है, उसमें एक सांप दिखाई दिया था ऑफिस में, शायद आउट हाउस या ऑफिस है पता नहीं। उन्होंने बताया कि बड़ा सांप दिखाई दे रहा है कोने में, तो वहाँ पर हम निकले हैं, मेरे साथ मेरी पूरी टीम है वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, देखते हैं वहाँ पर जाकर कौन सा सांप मिलता है, उसको पकड़कर हम तुरंत उसको जंगल में रिलीज करेंगे। अक्षय परकरे भी फोन करता है एक बार। अरे बाबा यार अरे यार हाउ यू कैसे हो कल भाई यार कैमरा वाला यार कैम टेबल फोटे दोस्तों यहाँ पर एक स्पेक्टर कोबरा हमने रेस्क्यू किया, चिचुंडी पाटिल नाम से गांव है यहाँ पर, लाइट का सब स्टेशन है और एक आउट हाउस है उसका। तो यहाँ पर ये कोने में बैठा था बहुत ही देर से, तब अक्षय परकाड़े इन्होंने कॉल किया और यहाँ हम पहुँचे, इसको रेस्क्यू कर लिया। इस बारे में हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं दोस्तों, जैसे कि कोबरा सांप जबरन कभी किसी को अटैक नहीं करता, ये सांप किसी के लिए कोई खतरा नहीं होता, जब उसके सामने कोई जाता है उसको डर महसूस होता है जिसके कारण वो बाइट करता है। आप देख सकते हैं कि मैं उसके सामने हूँ फिर भी मुझे नहीं काट रहा, लेकिन वो बैक का डर महसूस हो रहा है उसको, तो बैक पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। बैक से आप देख सकते हैं कि बैक पर वो अटैक कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको बैक का वो खतरा लग रहा है। इसी तरह होता है जब कोई इंसान इसके सामने जाता है तो सांप को खतरा महसूस होता है, जिसके कारण सांप अटैक कर देता है। तो आप देख सकते हैं कितना ये गुस्से में है। सांप के सामने जब कोई इंसान जानवर या कोई चीज उसके सामने हम पकड़ा देते हिलाते हैं तो आक्रामक होता है और उस चीज को काटने की कोशिश करता है। और दोस्तों यहाँ पर एक जरूरी बात बताना चाहूंगा, जैसे कि धूप का मौसम अभी शुरू हुआ है, इस तरह कोबरा सांप जो है ज्यादा निकलने लगे, आपके घर के आसपास घर में भी आ सकते हैं, इसलिए हमने ध्यान रहना है, सतर्क रहना है कि
आउट हाउस में जब भी आप काम करते हो ध्यान से काम करना है और अपने घर के आसपास घर के चारों तरफ से अच्छे से साफ सफाई रखना है। जो बिल है चूहा चूहा चूहे के बिल जो बिल है वो बंद कर देना है। जो भी ईंटों के पत्थरों के टुकड़े वो हटाकर अपने सब साफ सफाई रखना है, तो जिसके कारण आपके घर के आसपास साफ नहीं आएंगे। आपकी एक छोटी सी गलती भी जानलेवा हो सकती है, इसलिए कभी भी बिना जानकारी के सांप नहीं पकड़ना है, ठीक है। आपने एक बात याद रखना है, अगर आपके पास पूरी तरह सांपों के बारे में जानकारी है तभी आपको आपने सांप को हैंडलिंग करना है। बिना जानकारी के बिना कोई प्रशिक्षण के सांप को हैंडलिंग करने की कोशिश नहीं करना। तो चलिए अब इसको हम बैग में डालते हैं दोस्तों और तुरंत हम जाएंगे फॉरेस्ट में इसको रिलीज करने के लिए। तो दोस्तों कल रात हमने एक स्नेक रेस्क्यू किया था, कोबरा स्नेक, चितुंडी पाटिल नाम से गांव है वहां पर। तो यहाँ पर पर्यावरण में इसको हम छोड़ने के लिए आए, रिलीज करने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर इसको रिलीज करेंगे। तो दोस्तों बस यही कहना चाहूँगा इसको रिलीज करते हुए, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से सांपों के बारे में सही जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी और साथ ही साथ आपको रेस्क्यू वाले वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए अभी यहाँ पर हम इसको तुरंत रिलीज कर देते हैं। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर हमने ये सांप को रिलीज़ किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।